इसके बाद चंद्रमा को अलग कर दिया तो भोले बाबा कहेंगे चलो हम तो फिरा लेते, कभी नहीं तुम्हारी जटा में गंगा है, गंगा कहेगी या कौन टा बड़ो बोलो मैं ना होने कर पाई या घंटा थे तू का भाई भर दिया मैं और एक माने में दो तलवार, इसलिए गंगा को अलग करो। तो भोले बाबा बोले तो जीव से अलग होना पड़ेगा, गंगा को भी अलग किया आपके द्वारा ही, सुने गंगा बुलाई है आपके द्वारा, मंत्र बुलाया काकाज वाहिनी गंगा कर्म दिन पावनी त्रोक के मंत्र देवी आवाहन कुछ कलश के अंदर बुलाते हैं आपके द्वारा मंत्र बुलाया, गुरु जी ने बुलाया यहाँ पर आइए। फिर कहा कि चलो गंगा तो है गए अलग, अब तो फिरा लेते हैं गना भाई ना है, अब बताए तो एक गंगा और एक चंद्रमा हो, अभी तो आपके बाजू में बिसेले सर्प हैं, गले में बिसेले सर्प हैं, बहुत सारे जंतु आपके पूरे शरीर पर लपेटे हुए, अब तो इनके संग तो करवंटा पड़ेगा, अब तो बहुत सारे हो गए इनको भी अलग करो। बोले बाबा कहने लगे अब तो अभी तो जन कहाँ कहाँ आवे हो भाई, जिंदगी जीवन में क्या क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, कभी कहते हैं कोई मुझे गुस्सा आती है, कभी कहते हैं क्या करूँ उसको खर्चा ना चल लो, कोई कहते हैं शरीर में रोग लगो, एक लड्डू है लड्डू इसको खा लेगा वो भी पछताएगा, इसको नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, शादी क्या चीज है, वो से तो कहता है फेरा लेता हूँ चाहिए आवत है, लेकिन ना है फेरा लेने के बाद हम चाहिए आवत है, और ही चक्कर हुआ शादी ना हो तो आवत है ले लो भाई करना जो बात है। बोले खुशी खुशी गृहस्थ आश्रम बड़े संन्यास से भी बड़ी चीज है, अगर गृहस्थ आश्रम नहीं है तो उद्धार नहीं है, है उद्धार की चीज। तो भोले बाबा ने उन विशेले सर्पों में नाग देवताओं को अलग किया, जो भरे में बंधा है ना धागा जैसा, इसमें बंधा है इसमें बंधा है इसमें, ये एक नाग देवता ये गवाही थी, तो सब कुछ हो गया। तो माता पार्वती जी कहने लगे चलो फेरा लेते हैं, मैं तुम्हें घुमाती हूँ मैं फेरा दिलाती हूँ। तो माता पार्वती ने तीनों लोगों में घुमा दिया, तीनों लोगों में घुमा दिया, इसलिए तीन परिक्रमा हमने कन्या को आगे लेकर चलाया, इसलिए कि गुरु जी ने आपके ना झूठ मूठ के चर पकड़ बनाया गोल 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 सिंह कुछ है उसके अंदर है, तीनों लोगों में घुमा दिया इसलिए तीन परिक्रमा कन्या को आगे लेकर चलाया। भोले बाबा कहने लगे तीनों लोगों में घूम ले तो परिक्रमा पूरी है, हाँ परिक्रमा पूरी हो गई, तीन लोगों से और कहा जाएगा बाकी नहीं। भोले बाबा कहने लगे अभी नहीं, मान लो तीनों लोगों में घूमा अमरनाथ की यात्रा करी आए, वैष्णो देवी की यात्रा करी आए, 84 कोस की परिक्रमा करी आए, तो कोई घर चल जाए, घर तो वो जब चलेगा जब हमारे तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने पूर्वजों ने लाखों हजारों वर्ष के अनुभव किए घर चला देंगे, उनको ले लिया पुस्तकों में उनका नाम पड़ गया पेज, अनुभव करे वह अनुभव के ही अनुसार तो चलते हैं, जो बड़े बूढ़े घर चले आए वही काम करते चले आए हम भी। तो चारों वेदों का ज्ञान भोले बाबा ने कराया, इसलिए चार परिक्रमा हमने परमहोदय को आगे लिया। जब परिक्रमा आ गए तो कहा अब इसी जात में बैठिए, कहा आप भायंग आ जाओ हमारे, अब तो परिक्रमा हो गए दावत की होटली उड़ गई खूब पितरो पैसा उड़ो नाच कूद में खूब बखेर दो, हाँ कहा ठिकान हुआ। कहने लगी पार्वती जी यहाँ पर कन्या कह रही है अभी मैं भायंग नहीं आऊँ, क्यों मंडपम मत पर के ला जाओ मैं परिक्रमा यावत पे सप्तवदी ने तावत कन्या कुमार का ये मंडप छा गया लॉज में आगे काहे ना कि सोवा तो दे, अगर चोरे में बैठा के दावत पा दिया तो फिर तो बढ़ जाता, लेकिन पैसा खर्च करो काहे कि सोवा सुशोभित करने के लिए मजबर जो दही खिला गया अभी शरीर की पुष्टि के लिए और हवन किया गया इस प्रांगण की शुद्धि के लिए, यम जन कौन कौन आवत है अग्नि क्या चीज है शुद्ध कर देने वाली चीज है पवित्र कर देने वाली चीज है, आपने देखा ना शरीर के अंदर अग्नि है तो शरीर पवित्र है, बाहर से नहाए लो ठंडे पानी से किचन में नहाए लो ठंडे पानी से लेकिन भीतर गर्मी है, या फिर भीतर आपने आइसक्रीम खा ली या कोल्ड ड्रिंक खा ली तो गर्मी खत्म ना है, तो वो पवित्र चीज है उसके अंदर पवित्र चीज है वो परमात्मा है, परमात्मा है। कहा हवन किया गया प्रांगण की शुद्धि के लिए और परिक्रमा दिए गए इस अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए, अग्नि नहीं होती जब पूरा करकट गलता सड़ता नहीं तो दुनिया में कूड़े कूड़े दिखाई देता और कुछ होता ही ना, और कूड़ा करकट सड़ के गल के आग लग के क्या बन गया सोना मट्टी है, मट्टी में सोना है चांदी है हीरा मोती खट्टा मीठा कर सब इसी के अंदर, यह परमात्मा का खजाना है।